प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है रामलला के दर्शन का और भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे तमाम संवाददाता आपको रिपोर्ट भी बता रहे हैं वहां के ताजा हालात। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, जो दर्शक हमें इस वक्त देख पा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जरा उन्हें बता दीजिए, अगर उन्हें रामलला के दर्शन करने हैं तो, क्योंकि राम मंदिर पहुंचने के और रामलला के दर्शन के कुछ नियम भी बनाए गए। 5 बार आरती होगी, सुबह 8 बजे से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए हैं। कब कब दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे, आरती के वक्त भी क्या दर्शन होंगे, जरा इसके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी राम जन्मभूमि गेट के ठीक सामने, अगर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, यहां के एडीजी पीयूष मोडिया हैं, आपको पीसी के एडीजी सुजीत पांडे, जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं सब गेट के बाहर आए हैं। श्रद्धालुओं को बैठाया जा रहा है, अफरा तफरी के हालात हैं। कुछ लोग जो जाने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़े इंजर्ड भी हुए। आपको बताऊं कि लोगों को जानकारी नहीं है, जैसा मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हो जाता, जैसे वो अंदर जाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, बैग नहीं ले जा सकते, लेकिन उनको कहाँ रखा जाए इसके लिए इंतज़ाम नहीं किया गया। मंदिर में कितने बजे से कितने बजे तक दर्शन होगा, क्या आरती के वक्त दर्शन हो सकते हैं, आरती के वक्त दर्शन नहीं हो सकते, अभी जो शुरुआत में किया गया है उसमें सिर्फ पुजारी और जो लोग हैं वही वहां पे रहेंगे। दोपहर में 2 घंटे का दर्शन नहीं होगा। पूरा जो इलाका है अंदर उसमें एक साथ लोगों को ले नहीं जा सकते, हालांकि 2 लाख लोगों को दर्शन कराने की कैपेसिटी है, लेकिन वो तब जब मंदिर पूरा बन जाएगा। लोगों में जानकारी के अभाव है और सब लोग जो आए हैं, 17 तारीख से ट्रेन और बसें रोक दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या में पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। क्या आप बताएंगे क्या हो रहा है, आप लोग क्या कहाँ से आए हैं? मैं अमित त्रिपाठी हूँ, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, लेकिन हम नोएडा से दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि हम लोग अभी लाइन में लगे और एकदम से भीड़ इतनी बढ़ रही है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो लोगों और राम मंदिर के पीछे आस्था है लोगों की, उस आस्था की वजह से प्रशासन कोशिश कर रहा है। अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे, बैठ जाएं सब लोग अपनी जगह पर, बैठ जाएं। आप सुन रही हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, राम लला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ा है, उतरना पड़ा है, नहीं तो ये भीड़ को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, ये राम भक्तों की भावना है, श्रद्धा, जिसे समझना भी पड़ेगा। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद राम लला लौटे हैं और राम मंदिर बना है और इसीलिए दर्शन को आतुर है सभी राम भक्त। देखिए, 3 सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे आपको, अभिजीत ठाकुर, कुमार कुंदन और पंकज झा, तीनों ग्राउंड रिपोर्ट राम मंदिर से आप तक पहुंचा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट आई है राम मंदिर से, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे दे। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ पर राम मंदिर के प्रमुख पुजारी, जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा, मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा, ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं, विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत के, प्रत्येक मंदिरों के एक एक लोग दूध दूध चर्चर को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। राम मैं दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो देखिए, मंदिर के मुख्य पुजारी को आप सुन रहे थे, सीधे अयोध्या राम मंदिर चलते हैं। पंकज झा के पास कुछ अपडेट है, ओवर टू यू पंकज। मैं यह कह रहा था कि अभी सारे सीनियर पुलिस अधिकारी आए थे, लोगों को समझाया है, लोग एक एक करके जो सामने थे, चूंकि अंदर दर्शन बंद हो चुका है, जो लोग अंदर हैं मंदिर के उनको दर्शन कराया जा रहा है, और तब तक जो भीड़ बैठ गई है, आप देखिए एक साधु आगे खड़े हो गए हैं और सीताराम सीताराम भजन कराया जा रहा है ताकि लोग उसमें
शामिल हों, उसी में बैठे रहें, धैर्य रखें। और कहा जा रहा है कि आप सबकी नंबर आएगा, आप सबकी बारी आएगी, आप सबको दर्शन कराया जाए, तब तक लोग किसी तरीके से उनका धैर्य न जवाब दे तो सीताराम सीताराम और हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर के बाहर ही जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे तीनों सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे कि इस वक्त राम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया अभिजीत कुमार कुंदन और पंकज, आपका आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए।